इस वीडियो में आपको हम बताएंगे पीएम किसान योजना का जो वेबसाइट ओपन नहीं हो रहा है। बहुत ऐसे किसान हैं जिनका कहना है कि पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी जब भी हम ओपन करने जाते हैं और पीएम किसान योजना के वेबसाइट में इस तरह करके लिख के आ जाता है, शेड्यूल मेंटेनेंस पीएम किसान पोर्टल विल नॉट बी अवेलेबल टूडे, इस तरह करके लिखा हुआ आ रहा है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले जब भी मेंटेनेंस में जाता था वो रात 12 बजते बजते ये मेंटेनेंस का प्रॉब्लम हट जाता था, लेकिन अभी इस तरह करके प्रॉब्लम आ रहा है। तो पीएम किसान योजना का बेनिफिशियरी आप कैसे देखेंगे, अगर आपका बेनिफिशियरी में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आया है या आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया है और किस कारण से नहीं आया है वो आप देखना चाहते हैं और लेटेस्ट अपडेट में देखना चाहते हैं, नया पोर्टल से आप देखना चाहते हैं, चलिए आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि कौन सा पोर्टल से आप चेक करेंगे कि आपका बेनिफिशियरी में क्या प्रॉब्लम आया हुआ है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आपका बेनिफिशियरी में प्रॉब्लम आया होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व किए होंगे, तो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ इसके बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे। 15 नवंबर को पीएम किसान योजना का जो पैसा भेजा गया उस टाइम आपका पीएम किसान योजना का पैसा नहीं आया और किस कारण से नहीं आया उसको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आप बने रहे, इसका टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम पीएम किसान योजना और बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। इसके लिए आप ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले एक बार हम चेक करके देख लेते हैं कि पीएम किसान योजना का वेबसाइट ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गूगल क्रोम में आप लिखेंगे पीएम किसान, लिखने के बाद आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर देख पा रहे पीएम किसान, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह करके ऑप्शन आ जाता है, ये पेज आपके सामने आ जाता है और यहाँ पर आपका बेनिफिशियरी आप चेक नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना स्टेटस नए वेबसाइट से कैसे चेक करेंगे, चलिए आपको हम बताते हैं। तो अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको इस लिंक पर आना होगा, इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस लिंक पर क्लिक करके अपना बेनिफिशियरी को देख सकते हैं, अपना बेनिफिशियरी में जो भी प्रॉब्लम आया हुआ होगा उस प्रॉब्लम को आप देख सकते हैं, उसके बाद अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आपका पीएम किसान योजना का पैसा जो नहीं आया है और किस कारण से रुका हुआ है वो भी आप इस वेबसाइट के माध्यम से आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपको कैटेगरी पर क्लिक करके आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा पीएम किसान। जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे, लिखने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो ऑप्शन शो कर रहा है, यहाँ पर बेनिफिशियरी वैलिडेशन और यहाँ पर देख पा रहे पेमेंट का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक रहने देना होगा। उसके बाद आप क्या काम करेंगे, तो आप यहाँ पर देख पा रहे इंटर एप्लीकेशन आईडी, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे कैप्चा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक कर देना होगा। तो जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर देख पा रहे पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन यहाँ पर शो कर और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन आईडी दिखने के लिए मिल जाएगा, मतलब आपका बेनिफिशियरी स्टेटस में जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आप यहां पर देख पाएंगे। उसके बाद बेनिफिशियरी में जो नाम लिखा हुआ है वो नाम यहां पर शो करेगा और यहां पर बेनिफिशियरी कोड शो करेगा और यहां पर एजेंसी कोड शो करेगा और आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जो आधार नंबर दिया हुआ, आधार कार्ड जो दिया हुआ वो आपका आधार कार्ड का लास्ट का 4 डिजिट यहाँ पर शो करेगा और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से कितना दिया जा रहा है किस्तों में पैसा वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर 2000 शो करा। और उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे 14 नवंबर को आपका रिक्वेस्ट सबमिट हुआ है 7:42 पर और यहाँ पर रिजेक्ट का प्रॉब्लम शो कर रहा है, तो किस कारण से रिजेक्ट हुआ आपको ये भी दिखा देते हैं। तो जब भी आप क्रेडिट स्टेटस चेक करेंगे, मतलब यहाँ पर देख पा रहे क्रेडिट स्टेटस यहाँ पर, उसके सामने यहाँ पर देख पा रहे डिस्क्रिप्शन ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है, इसके सामने ये ऑप्शन आप देख पा रहे हैं यही आपका प्रॉब्लम यहाँ पर शो कर रहा है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इसी के कारण नहीं आया है, यूआईडी डोज नॉट बिलोंग टू बेनिफिशियरी, यूआईडी फॉर्म बेनिफिशियरी फाइल, मतलब आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा तो छोटा सा प्रॉब्लम के कारण पीएम किसान योजना का पैसा नहीं भेजा गया है। तो छोटा सा कारण क्या है, जो सरकार के तरफ से पैसा भेजा जा रहा है ये एनपीसीआई के माध्यम से, मतलब डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, तो आपका बैंक अकाउंट में डीबीटी एनपीसीआई लिंक किया हुआ नहीं है, इसके लिए यहाँ पर ये ऑप्शन शो कर रहा है, क्योंकि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अदर बेस पर भेजा जाता है, डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, इसके लिए आपका अकाउंट में डीबीटी लिंक होना बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और आपको हम दिखा देते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा इनका आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे इनका पूरा डिटेल्स यहाँ पर शो करा और यहाँ पर देख पा रहे वैलिडेशन, मतलब यहाँ पर स्टेटस इसका वैलिड किया गया है और यहाँ पर 16 तारीख को यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर 16 तारीख लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद पीएम किसान योजना का पैसा जो फंड ट्रांसफर करने के लिए स्टेटस जो अप्रूवल किया गया एजेंसी की तरफ से ये 16 तारीख को किया गया है और यहाँ पर देख पा रहे यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट स्टेटस यहाँ पर पेंडिंग शो करा है। तो पीएम किसान योजना का पैसा इनका भेजा जाएगा लेकिन यहाँ पर अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं शो कर रहा है। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा पाने के लिए जल्द से जल्द अपना एनपीसीआई लिंक करा लीजिए। अगर आप बैंक में एनपीसीआई लिंक नहीं कराएंगे तो यहाँ पर पेंडिंग का ऑप्शन जो शो कर रहा है, जो पेमेंट पेंडिंग एट यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर रिजेक्ट का प्रॉब्लम शो कर जाएगा। उसके बाद आपका पेमेंट जो ये आने वाला है ये पेमेंट हमेशा के लिए रुक जाएगा, मतलब हो सकता है कि आगे चलकर आए लेकिन
इस बार आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो अपना बैंक में NPCI जल्द से जल्द करा लीजिए, उसके बाद आपका पेमेंट अकाउंट में 100% आ जाएगा। तो जिनका भी पीएम किसान योजना का पैसा आ चुका है, यहाँ पर अप्रूवल यहाँ पर शो करेगा और यहाँ पर पेमेंट सक्सेस यहाँ पर शो करेगा। जिस डेट को पेमेंट आएगा वो आपको शो कर जाएगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अगर आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में देखकर आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपका UID नेवर एनेबल फॉर DBT का प्रॉब्लम आ रहा है या UID डोज नॉट ब्लोइंग यहाँ पर इस तरह करके लिख के आ रहा है, या आपका कोई और ऑप्शन शो कर रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स पर आप जरूर लिखिए, जो भी आपका प्रॉब्लम आ रहा है उस प्रॉब्लम को लिखना होगा। लिखने के बाद आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाएगा उसका रिप्लाई हम जरूर देंगे, उसके बाद अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो करंट अपडेट यहीं से देख सकते हैं और अपना प्रॉब्लम जो भी आया होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना का वेबसाइट जब अपडेट होगा उसके बाद आपको एक नया वीडियो और बना के दिखाएंगे, उसमें बताएंगे जो भी उसमें अपडेट हुआ होगा, मतलब जो भी नया नया फीचर्स में आया होगा वो भी आपको उस वीडियो में बताएंगे। इसके लिए आप क्या काम करेंगे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर दीजिए।